राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सबका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो अभी हम इस लेक्चर में बेसिकली डॉक्टर मनोहरे सर का जो यूपी बोर्ड में बुक चलता है मैथ का, तो उसके ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 8 में है उसके कुछ लेक्चर्स को किए हैं, जिसमें कि अभी हम प्रश्नावली 8B तक क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है, तो 8B के आगे हमें प्रश्नावली 8C करना था, लेकिन क्या हुआ कि अभी जो है 8C में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की ज़रूरत है, तो हम सोच रहे हैं अभी उसको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 8C के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर देखेंगे जितना लेक्चर लंबा होगा या छोटा होगा उसी के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसमें सबसे पहले, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, सपोज मान लीजिए ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो सर इसमें पाइथागोरस का अगर हम प्रमेय एक होता है जो जानते हैं, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है सर, अभी हम पहले लेक्चर में बताए हैं, पाइथागोरस का प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमें पता है पहले, ये वाली जो पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें सपोज आप समझिए, समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम इसमें क्या करें, दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर, तो अगर हम दोनों साइड भाग देते हैं कर्ण का, तो क्या होता है सर, यहां पे L और K का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। अब देखिए इस साइड K का स्क्वायर और K का स्क्वायर है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, K के स्क्वायर से कैंसिल। अब यहां पे सर क्या होता है, अभी हम देखे हैं एल ए एल बटे के के ए। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे इसको पहले एक लाइन और लिख देते हैं, इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू वन ये लिख सकते हैं ना। तो अभी हम इसको ट्रायंगल में भी बता सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल का हमको लगता है जरूरत नहीं है, तो हम यही पे जो चीजें हैं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं साइन थीटा। मान लीजिए ये ट्रायंगल का बस इतना ही यूज है कि ये कोई एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल में साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब आधार बटे कर्ण यहां से क्या है सर, आधार बटे कर्ण हमारा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक आइडेंटिटीज मिला ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है, ये आइडेंटिटीज मिला, तो इसका हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, जो प्रश्नावली 8C के क्वेश्चंस है उसमें भी यूज करेंगे, बाकी आगे के भी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका 8C के बाद ये आइडेंटिटीज दिया हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि 8C में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये लग रहा है। अब इससे सर एक चीज और ये हो सकता है, यहाँ पे इसी से साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे है तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये इसी से आ रहा है, ये भी एक आइडेंटिटीज ही है। ठीक है, और इसी में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसी का फॉर्म ही है। ठीक है, यहां से ये चीजें आ रही है। अब सर पहले तो अब इसके आगे देखते हैं, अभी हमारा क्या हुआ, ये हो गया कि हम मतलब यहां पे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्रूफ कर दिए, ठीक है। मतलब ये आइडेंटिटीज हमें पता चल गया, अब इसी से ये आइडेंटिटीज आ गया, ये आइडेंटिटीज आ गया, हमें क्या करना है, यही तीनों आइडेंटिटीज याद रखना है आपको, यही तीनों सर्वसमिकाएं याद रखनी है। और इसके बाद सर क्या होता है कि अब देखिए आगे भी है कुछ चीज़ें, उसको भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चीज़ें आसान है, बस समझने की कोशिश करिए। अभी जो आइडेंटिटी आई है वो पाइथागोरस के प्रमेय से आई हुई है, अब ध्यान दीजिए इसके आगे, इसको नोट कर लिए होंगे आप, आशा करते हैं, अगर नहीं नोट किए होंगे तो आप देख लीजिएगा फिर से वीडियो को बैक करके, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है ना, अगर हम इसमें दोनों पक्षों में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम भाग दे रहे हैं सर, तो क्या होगा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा वन बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब या तो इसको पूरे को लिख कर हम लिख दे बटे कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर समान है तो अलग अलग कर सकते हैं। अब यहां पे सर एक चीज आपको पढ़ाई की आ गई है, यहां पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये कहां पर था, लेक्चर वन में बताया गया है, ठीक है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि यहां पे दोनों पे स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कास कास को हम क्या करें, हटा दें, तो ये हमारा क्या हो गया, वन। और अभी एक चीज ये भी बताया गया है सर, क्या है, सेक थीटा गुड़े कॉस थीटा बराबर वन। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा वन बाई कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो एक आइडेंटिटीज हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसका भी अगर हम इससे भी कुछ आइडेंटिटीज निकालें, तो बेसिकली कहीं पे भी अगर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में होगा क्या, कि अगर कहीं पे वन आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे उसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो ये लिख देंगे, बेसिक चीजें हैं, और फिर एक ये भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, इसके बेसिकली जितने भी चीजें आएंगी वो हम करेंगे। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या तो फिर ये लिख सकते हैं, और सेक को हम लिखे ही हैं ये, ठीक है। तो और फिर क्या है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, अभी जो इसके पहले तीनों आइडेंटिटीज बताए हैं उसको समझिए कैसे आया है, और इसको देख लीजिए और उसको नोट डाउन करिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि क्या है, कैसे आ रहा है, ये चीजें बताई गई हैं आपको कि कैसे चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो अब इसी में अगर हम फिर से देखिए सर, यहां पे अभी हम क्या करें, अगर इसी में हम चीजों को अगर हम कहें दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से अगर भाग दे दें, अगर दोनों पक्षों में हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर यहां पे क्या हो गया, वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड में ये हो गया, ठीक है। तो अब एक अब फिर ये तो पहले ये कट कर वन हो गया, ठीक है। अब एक आइडेंटिटीज ये भी बताया गया है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, लेकिन यहां पे अगर हम कॉट करें तो उसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट, तो इसलिए हो गया कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब यहां से हम क्या लिख दे, ये वन प्लस ये क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा, अब वन बटे साइन थीटा, अब यहां पर देखिए कोसेक थीटा गुड़े साइन थीटा बराबर वन होता है ना, तो यहां से वन बाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा, उसको पक्षांतर करके देख लेंगे आप, अब बताया गया पहले लेक्चर में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चीजों को जाकर वहां पे देखिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कोसेक, सॉरी
कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक हमारी आइडेंटिटीज ये मिल गई, ठीक है। अब इसी में से अगर हम लिख दें, कहीं कहीं पे आएगा तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन के बराबर, ठीक है। बेसिकली इसमें हम किए क्या है, इसमें ये किए कि कॉट को उस साइड लेकर जाकर यहाँ पे वन को, तो कहीं पे हम अगर हमारा प्रश्नावली के क्वेश्चंस में कहीं भी पे अगर वन आएगा तो वन को इक्वल हम इतना लिख सकते हैं। और इसी में अगर हम कहें केवल कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। आपको अभी तक कितनी आइडेंटिटीज बताई गई है, बेसिक तो तीन ही था आइडेंटिटीज, लेकिन उससे कुछ निकले हुए थे तो उसमें बताया गया है। तो आपको पूरा तीन तरीके नौ, मतलब टोटल नौ आइडेंटिटीज बताई गई हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब फिर क्या है कि, और शायद इसी में आपके बुक में शायद प्रूफ करने के लिए भी कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है, देख रहे हैं, इसी आइडेंटिटीज को कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया है। अभी हमको क्या है कि प्रश्नावली 8C के क्वेश्चंस को लगाना है, तो अभी हमें जितना जरूरत था हम उतना कर लिया है, ठीक है। अगर बाकी चीजें जो होंगी हम उसमें आपको आगे जब 8C का क्वेश्चंस कराने के बाद देखेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 8C का क्वेश्चंस करें, इसके लिए हमें बुक लेना पड़ेगा, बुक लेकर देखते हैं कि क्या है कैसे है चीजें। तो क्वेश्चन नंबर वन की बात करें अगर हम, प्रश्नावली 8C, ठीक है, तो हम प्रश्नावली 8C के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर वन आपके बुक में है साइन ट्वेंटी फाइव, और फिर क्या है कॉस 65, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितना आएगा। तो जनरली अब हमें ना तो 25 का वैल्यू पता है ना तो 65 का वैल्यू पता है, ठीक है, तो हमें किसी के टर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो आपको साइन 25 ये रहने देते हैं, इसको अगर हम लिखे तो कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये साइन 25 इंटू ये क्या होगा, अभी हम इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आप जाएंगे तो वहां पे हम ये बोले हैं कि जो है ये कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, तो साइन 25, तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो गई साइन स्क्वायर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है सर आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर टू है सेक 70 इंटू साइन 20, सेक 70 इंटू साइन 20, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है कॉस 20 इंटू कोसेक 70, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या देखेंगे, पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें कैसे चीजें हम कैसे भी काट कूट के, मतलब कैसे भी ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स को हटाकर कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहां पे देखा जाए तो सेक है ना, तो सेक को आप पढ़े होंगे 1/cos θ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हमें पता है क्या, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है, ये पहले वाले लेक्चर में बताया गया है। तो यहां पे ये क्या हो गया साइन 20, अब यहां पे फिर से क्या है कॉस 20 है ना, अब ये कोसेक को क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin 70, ठीक है। तो अब इसको यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, 70 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना, फिर यहां पे आपका साइन 20 है ही है, फिर ये कॉस 20 है ही, अब यहां से 1/sin 70 को फिर वही साइन 90 माइनस 20, 70 को 20 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना, तो वही लिख कर दिए। अब यहां से ये क्या हो गया साइन 20 हो गया, और फिर ये बदल कर क्या होगा साइन 20, ठीक है। अब ये कॉस तो है ही है, कॉस 20 है ही है, अब ये क्या होगा, ये भी
कॉस 20 हो गया, ठीक है। तो ये कॉस 20 कट गया, साइन 20 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका 1-1 बराबर, जो कि 1-1 में से एक घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात बस यही है सर, समझने वाली बात यही है बात कि cos 90-25, अगर 90-थीटा है तो वो होता है साइन थीटा, और फिर अगर यहाँ पे भी cos 90-थीटा है तो वही होगा, यहाँ पे साइन 90-थीटा है तो cos थीटा होता है। पहले वाले लेक्चर में आप जाकर देखिए, बहुत डिटेल में एक घंटे का लेक्चर है, उसमें जाकर देखिए कि क्या है चीजें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम आपके बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, tan 20 cot 70 minus sec 20 cosec 70, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलने से ज्यादा है कि सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, tan 20 अंश, ठीक है, यहां पे cot 70 अंश, फिर माइनस cos 20 अंश इंटू cosec 70 अंश, ठीक है, हाँ cosec 70 अंश, यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है। तो अब देखिए यहां पे फिर से दिमाग आपका तुरंत क्या, अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तुरंत क्या दिमाग में हमारे आना चाहिए, क्या कि हमारा जो है किसी तरह से ये जो साइन टैन कॉट ये है इसको हटाएं, या तो फिर जो हमारी वैल्यू पता है नोन है तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे टैन 20 है ना, अब ये कॉट 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 70 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan थीटा गुड़े cot थीटा हमारा जो होता है वो एक होता है ना, ठीक है। तो अब यहां से ये तो अभी है ही cos 20, अब इसी तरह से cosec 70 को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 70, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सॉरी आपका क्वेश्चन ही गलत लिखा गया ना, क्वेश्चन यहां पे क्या है, sec है ना, sec, हाँ sec 20 है ना, तो sec 20 को फिर भी क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos 20, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे ये हो गया ना, अब हमारा क्या हुआ कि यहां पे tan है ना, tan 20 है, अब यहां पे 70 है तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 90-20, ये लिख सकते हैं। 70 को हम क्या किया सर, यहां पे 70 को हम 90-20 लिख दिए, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ये cos 20, अब यहां पे साइन को फिर से हम क्या लिख रहे हैं, 90-20, ये लिख सकते हैं 70 को 20। आपको ऐसे क्वेश्चंस में बस करना क्या है कि सारे वैल्यू को एक ही टर्म, एक ही मतलब वैल्यू में निकाल कर, मतलब जैसे 20 है तो 20 में ही कन्वर्ट कर लें सबको। तो अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस तरह से हमारा सारा सारा वैल्यू जो है 20 में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो अब क्या हो गया, tan 20 ये क्या हुआ, cot 20, ये cot 20 हो गया। अब फिर क्या हुआ, हाँ cot 20 हो गया, अब फिर यहां पे अब फिर 1- ये cos 20 इंटू ये क्या हुआ आपका साइन 90 माइनस ये, तो ये क्या हो गया cos 20, ठीक है, cos 20 हो गया। और फिर यहां पे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 20 बटे cos 20, और इस वाले cot को क्या लिख सकते हैं, cot 20 बटे साइन 20, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, ये आपको पता होगा, पहले वाले लेक्चर में हम बताए हैं। फिर यहां पे क्या हो गया, 1/cos² 20, ठीक है। अब यहां पे अभी यही पे कर लेते हैं क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया, sin² 20 बटे cos² यहां पे cot नहीं है, cos है, ठीक है, cos² 20, ठीक है, 1/cos² 20 ये हुआ,
यहां तक चीजें समझ में आई? क्या हुआ आपको? सारा चीज यहां से शुरू से फिर से समझा रहे हैं, यहां तक तो समझ में आया होगा ना, यहां तक समझ में आया है। अब यहां से क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। और फिर यहां से कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही फॉर्मूला इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो अब यहां तक पहले आप नोट करिए, यहां तक नोट करेंगे तो आप फिर अब इसमें एलसीएम ले लें। तो एलसीएम अगर हम ले लें कॉस स्क्वायर ट्वेंटी अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो यहां से क्या होगा, पहले तो ये साइन स्क्वायर ट्वेंटी ही हो गया, साइन स्क्वायर ट्वेंटी माइनस वन, यही हुआ ना। अब अगर हम इसमें से माइनस वन कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर ट्वेंटी हो गया ये, फिर यहां पे कॉस स्क्वायर ट्वेंटी, यही हुआ ना। अब देखिए आपको अभी जो इसके पहले हम आइडेंटिटीज बताए हैं वहां पे क्या बताए हैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक था ना। तो अगर हम उसी में केवल अगर हम साइन वाले को उधर ले जाएं तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इसको क्या लिख दें, यहां पे इसको लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर ट्वेंटी, ठीक है, ये कट गया तो माइनस वन आया। अब यहां पे हम क्या किए हैं सर, यहां पे समझने वाली बात इतना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो अभी हम सर्वसमिका निकाले हैं, तो यहां पे क्या किए, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो इसी साइन के जगह पे ये कॉस रख दिए, ठीक है। इस तरह से ये हमारा वैल्यू आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आ गया माइनस वन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए तभी आसान होगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कभी भी मैथ में, मैथ जो है प्रैक्टिस करने वालों के लिए ही आसान होता है, ठीक है, या तो आप किसी को पढ़ाकर आसान करिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, फोर देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है आपका, सेक 70 अंश बटे कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश, ठीक है। अब आसान सा है बस वही, क्या इसमें भी क्या करना है आपको, पहले तो आपको सारे चीजों को एक में कन्वर्ट करना है, या तो 20 में कन्वर्ट करिए या तो 70 में कन्वर्ट करिए, इसको या तो 31 में कन्वर्ट करिए या तो 59 में कन्वर्ट करिए। तो अगर हम देखें यहां से सेक 20 है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, अब यहां पे कोसेक है ना, कोसेक 90 माइनस 70 लिख सकते हैं इसको, 20 को हम क्या किए सर, 20 को हम लिख दिए 90 माइनस 70, ठीक है, प्लस अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, साइन 90 में से अगर हम 31 घटा देते हैं तो हमारा यही आएगा ना 59, ठीक है, 59 आ गया यहां से। फिर अब ये कॉस 31 तो है ही है, ठीक है। अब इस तरह से, अब ये जो इसके पहले वाले लेक्चर में बताए हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा ना, तो सेक 70 अंश बटे सेक 70 अंश, क्यों, यहां पे कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो गया, सेक थीटा। अब यहां पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, बटे मतलब कॉस थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे 31 है ना, सॉरी 31, यहां पे कॉस 31, ठीक है। अब इस तरह से अगर इसको देखें तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया आपका 2, ठीक है, तो 2 हमारा आंसर हो गया यहां पे, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 बराबर 1, बराबर 1 ही होगा ना, क्यों होगा, वही है 35 को, रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है,
बस आप देखिए यहाँ पे इजी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर नहीं है, अभी फिफ्थ हो गया ना, हाँ फिफ्थ। तो फिफ्थ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। हम अभी बोल दिए क्या आंसर वन होगा, वन कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए, साइन स्क्वायर 35 है ना, साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस ये पूरा, अब यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35 का होल स्क्वायर, ये जनरली उसी का स्क्वायर है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, तो ये हो गया साइन 35 प्लस ये हो गया कॉस, तो कॉस स्क्वायर 35। अब अभी हम क्या, इसके पहले थोड़ा देर पहले भी हम क्या बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये थीटा की जगह पे 35 है तो ये 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो 6 में क्या है, कॉस 80 बटे साइन 10 फिर प्लस कॉस 59 बटे साइन 31, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू इजी है, बस कर दे रहे हैं इजी है। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं टफ है तो कर देते हैं, थोड़ा सा इजी है, वैसे तो ये सब क्वेश्चन कराने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है कि कर लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या है, कॉस 80 बटे साइन 10 ठीक है प्लस कॉस 59 बटे साइन 31 ठीक है 31। आपको क्या, हम ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है, आपके ऊपर नीचे का दोनों पहले तो कोड जो अंदर का है ना थीटा, जैसे कोड है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 10 है 80 है, तो या तो इसको 80 बना दीजिए या तो इसको 10 बना दीजिए। तो अब यहाँ पे है ना, इसको हम बना रहे हैं कॉस 90 माइनस 10 बना दिए, 80 होगा इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर साइन दस हुआ ना, अब ये कॉस 59 है ना, तो 59 को हम इतना लिख सकते हैं 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है ठीक है। अब ये साइन 31 ठीक, तो इस तरह से अब ये क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वाई एक्सिस पे है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका साइन 10 अंश बटे साइन 10 अंश प्लस कॉस 31 नहीं कॉस 31 क्या पे बदलेगा ना, तो बदलेगा साइन 31 बटे साइन 31 ये कट गया, 1 + 1 आ गया बराबर 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ये बच्चों वाली क्वेश्चन है सारा, कर लीजिए देख लीजिए, बस क्वेश्चन आपको अभी करा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस होता रहे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे है साइन 18 डिग्री बटे साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे फिर वही है, दोनों को पहले तो इस वाले को 18 में बदल दीजिए, 18 वाले को या तो 72 में बदल दीजिए, तो हम लिख रहे हैं साइन 90 माइनस 72 ये 18 होगा ना घटाने पे, ठीक है कॉस 72 ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 72 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव सभी होता है, तो हो गया ठीक है कॉस 72। अब इसको काट दिए तो ये 1 आ गया ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है, उसको कर लीजिएगा सिंपल है, बस क्या है कि 51 को लिख दीजिए 90 माइनस 39 तो वही आ गया, फिर ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में पहला है सिद्ध करना है टैन 48 टैन 23 टैन 42 टैन 67 बराबर 1 ठीक है। क्या सिद्ध करना है हमें, पहला इसमें दो पार्ट है ना, पहला में क्या है टैन 48 इंटू टैन 23 इंटू टैन 42
इंटू टेन, ये सिद्ध करना है ठीक है। बायां पक्ष अगर हम लें, अगर हम इसमें बायां पक्ष लेते हैं, इसको लिख दें अगर हम क्या टेन अड़तालीस है ना, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 ठीक है। 90 माइनस 42 अगर हम करें तो ये 48 ही आएगा ना। तो अगर फिर अभी आप एक लाइन इसको लिख लीजिएगा, बायां पक्ष यही है, हम इसी को केवल सॉल्व कर रहे हैं ठीक है। तो अब यहाँ पे टेन, अब यहाँ पे टेन 23 है ना, तो टेन 23 को भी क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 67 लिख सकते हैं। अब फिर इसको रहने दीजिए ऐसे ही, टेन 42 इंटू टेन 67 ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, ये यहाँ से बायां पक्षी केवल लेकर चल रहे हैं ठीक है। अब इसको देखें तो ये क्या होगा, कॉट 42 इंटू कॉट 67 ठीक है, इंटू टेन 42 इंटू टेन 67 यही हुआ ना। तो अब यहां पे देखें अगर हम टेन, अब आपस में हम देख ले रहे हैं टेन और कॉट 42, इसको और इसको एक साथ ले रहे हैं ठीक है। अब ये, अब फिर यहां पे क्या है, कॉट 67 टेन 67। अब यहां पे देखा जाए तो हम क्या बोले हैं, टेन थीटा गुड़े कॉट थीटा बराबर 1 ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हुई और उसका वाला भी वैल्यू 1, तो इस तरह से 1 बराबर ये क्या हो गया दायां पक्ष। अब हम लिखेंगे लास्ट में क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए इति सिद्ध्यम या हेंस प्रूव्ड ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर मतलब 9 में ही दूसरा पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है आपका कॉस 38 लिख रहे हैं द डायरेक्ट, कॉस 38 अंश इंटू कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 ठीक है। तो आप यहां पे फिर से बायां पक्ष अगर आप लेंगे तो बायां पक्ष में केवल यही आता है, 0 उधर का नहीं आएगा ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहले तो एक में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें ठीक है। तो यहां पे अगर हम ये 38 है तो इस किसी को भी एक को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर देना तो दोनों हो जाएगा ठीक है। तो अब इसको या तो इसी को केवल चेंज कर दे, साइन है तो कॉस में चेंज कर दे, या कॉस वाले को मतलब साइन वाले को कॉस में कर दे, या कॉस वाले को साइन में कर दे। तो हम इसी को कर रहे हैं ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस, ये अगर घटाएंगे तो हमारा 38 आएगा ना ठीक है। अब यहां पे कॉस 90 माइनस 38 यही होगा ना, घटाने पे 52 आएगा ना तो ठीक है। अब यहां पे बाकी इसको चेंज नहीं करते हैं, 38 इंटू साइन 52 ठीक। तो अब इस तरह से ये क्या हो गया, साइन 52 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इस तरह से यहां पे भी साइन 38, अब ये साइन 38 इंटू साइन 52 ठीक है, दोनों सेम है ठीक है, घटकर कट जाएगा। अगर x माइनस एक्स हमारा 0 होता है ना, तो इसी तरह से ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो ये घटकर 0 हो गया ना ठीक है। अब आगे देखते हैं आपके क्वेश्चंस में क्या है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन में है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन, पहले तो मार्कर चल नहीं रहा अच्छे से, मार्कर को चेंज करते हैं ठीक है, मार्कर को चेंज करते हैं हम देख लेते हैं। दस नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री ठीक है। अब ये कह रहा है
अगर यहाँ पे यदि इतना है जहां पे tan 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये न्यून कोण है का मतलब है कि जो है हमारा 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, ये दोनों बराबर दिया हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं tan, या तो हम इसको लिख दें, यहां पे इसको लिख दे, क्या यहां पे अगर हम लिख दें cot, क्या लिख दे, cot 90 माइनस 2a। अब अगर हम देखें तो cot 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वाई एक्सिस पे है, तो tan का cot हो जाएगा, cot का tan हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा cot 90 माइनस थीटा, यहां पे cot tan थीटा होता है ना, तो अब यहां पे ये क्या हो गया cot a माइनस 18, ठीक। तो अब अगर हम देखें दोनों को कंपेयर, तुलना करने पर अगर हम तुलना कर रहे हैं तो यहां से क्या हो गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको इस साइड लेकर आए और इसको उस साइड, या तो फिर, या फिर क्या करें, हाँ यहां पे 90, ठीक है, 90 प्लस 18 कर दें और यहां पे a प्लस 2a कर दें, ठीक। तो अब ये 90 प्लस 18 क्या हो गया 108, ये यहां पे क्या हो गया 3a, ठीक है 3a। और फिर इस तरह से हम अगर देखें तो a बराबर 108/3, 108/3 है, तो 3 × 3 = 9, फिर यहां पे आपका बचा 6 × 3 = 18, तो a बराबर हमारा क्या आ गया 36 डिग्री, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी आ गई क्या 36 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ही था ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 ही था। तो क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है cos 75 प्लस cot 75, ठीक है। तो इसको कह रहा है को 0 और 30 के बीच में व्यक्त करिए, तो कुछ नहीं है इसमें भी, बस वही है 90 माइनस समथिंग कर लीजिए, मतलब जो भी है 90 माइनस कुछ कर लीजिए, वही है, ये मीटर ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों। अब क्या है इसमें 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका cot cos 75 प्लस cot 75। तो ये कह रहा है इसको कि 0 और 30 के बीच में व्यक्त करिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, 75 में से यहां पे 25 नहीं लिखेंगे ना, 15 लिखेंगे, इसको क्या लिख दें माइनस 15, फिर यहां पे cot को फिर क्या लिख दें 90 माइनस 15, तो ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा, क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा, क्या हो गया हमारा sin 15, ठीक है। अब ये cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया tan 15, ठीक है, ये इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, मिटा लेते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा लग रहा है क्वेश्चन वो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका cos, करते हैं सॉल्व ना डायरेक्ट लिख के, cos 35 डिग्री बटे sin 55 डिग्री प्लस sin 11 बटे cos, ठीक। अब इसके आगे क्या है, माइनस cos 28 इंटू cosec 62 बराबर 1, ठीक है। तो इसमें भी बाया पक्ष लेकर चलते हैं, तो बाया पक्ष अगर हम लेकर चले तो बाया पक्ष यहां पे है ना, तो cos 35, ठीक,
अब इसमें से या तो ऊपर वाले या तो नीचे वाले को हम चेंज कर दें, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं साइन 90 माइनस 35, ठीक है। अब फिर प्लस, या तो ऊपर वाले को चेंज करें या तो नीचे वाले को, ठीक है। साइन 11 है, इसको हम क्या लिख दें, कॉस 90 माइनस 11, क्यों, क्योंकि घटाकर वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस है ना, तो कॉस 90 माइनस 62 अगर हम इसको कर दें, और यहाँ पे ये कोसेक है ना, कोसेक 62, ठीक, तो कोसेक 62। अब फिर यहाँ से अगर हम ये देखें तो कॉस 35, अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 35 हो गया, ठीक है, जो कि कट कर एक आ गया, ठीक। प्लस साइन 11 बटे ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 11 ये भी कट गया, ये एक आ गया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, कॉस 90 माइनस था, हाँ, तो कॉस 90 माइनस थीटा है ना, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे आपका साइन 62 डिग्री। अब यहाँ पे कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 62 डिग्री, ठीक है, इसको भी काट दिए तो ये भी 1 आ गया। अब यहाँ से ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है, 1 + 1 - 1, तो ये 1 हो गया, बराबर दायां पक्ष, हेंस प्रूव्ड, लिख दीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये मिट ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों नहीं मिट रहा है। मार्कर पहले चेंज करते हैं, नहीं तो ये मिटाने में इतना टाइम लग रहा है कि हमें, हमारा दिमाग खराब हो। क्वेश्चन 12 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आपको सिद्ध करना है साइन 36 अंश प्लस कॉस 36 अंश बटे कॉस, ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है, एक सेकेंड, प्लस, अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये ऐसे ही है, कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1, यही प्रूफ करना है आपको। अगर बायां पक्ष में ले, कुछ नहीं है, बायां पक्ष यहाँ पे अगर हम क्या करें, ऊपर वाले को या तो नीचे वाले में चेंज कर दे या तो नीचे वाले को ऊपर वाले में चेंज कर दे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 36 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, पहले तो ये है ना 54 है ना, हाँ 90 माइनस 54, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, बटे कॉस 54 प्लस साइन 54, ठीक। अब ये क्या हो गया, यहां से ये साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस 54 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन 54 अंश, ठीक है, बटे कॉस 54 अंश प्लस साइन 54 अंश। देखा जाए तो दोनों वैल्यू सेम है ना, तो दोनों कट गया, तो ये क्या आ गया, 1, बराबर दायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, आप लिख दीजिएगा लास्ट में, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए हमारी जो सत्यापित करना था वो सही है, इसलिए इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, इजी क्वेश्चंस है, कर लीजिएगा आप लोग, वैसे तो कर ही लेते हैं लेकिन हमको लग रहा है बता ही देते हैं, कुछ खास है नहीं, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री से सब डरते हैं इसलिए सोच रहे हैं बता ही दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14
हाँ क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही है चीजें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 48 साइन 48 बटे कॉस 42, कॉस 48 बटे साइन 42 बराबर 2 सिद्ध करना है, बायां पक्ष आप लीजिएगा तो 48 है, 48 को 90 माइनस 42 लिखेंगे, इसी तरह से इसमें भी 90 माइनस 42 लिखेंगे, ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसको काट कर 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन में पहला तो क्वेश्चन है वही है, 2 साइन 81 बटे कॉस 9 फिर माइनस टेन 40 बटे कॉट 50, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले कुछ लिख दीजिए 90 माइनस 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस, तो यहाँ से 2 आया, सॉल्व कर लेते हैं 1 2 15 पे पहुँचे ना, क्वेश्चन नंबर 15 का 1 इसमें क्या है, पहले में क्या है, 2 साइन 81 बटे कॉस 9, ठीक है, यहाँ पे माइनस टेन चालीस बटे कॉट 50 बराबर ही निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या है, ये 2 साइन 90 माइनस 9 अगर हम कर दें तो यही आएगा ना, 81 घट कर आ जाएगा, तो कोई ये वैल्यू नहीं फर्क पड़ेगा, कॉस 9। फिर यहाँ पे अगर हम इसको कर दें, टेन 40 ही रहने दें, यहाँ पे लिख दें कॉट 90 माइनस 40, तो इस तरह से 90 माइनस 40, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 कॉस 9 डिग्री बटे कॉस 9 डिग्री, ये कट गया एक, फिर यहाँ पे टेन 40 है ये है, फिर बटे कॉट बदल कर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बदल कर क्या हो गया, टेन 40, इस तरह से इसको काट दें तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 बराबर 1, यही हो गया ना आंसर, ठीक है। अब आगे इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42, तो इसमें भी 48 को 90 माइनस 42 लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, तो जो कि कट के घट जाएगा चूंकि सेम है, तो 0 आ जाएगा। अब 16 नंबर में क्या है, इसको लिख सकते हैं साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है, को 0 और 45 के बीच में, तो बस उसमें क्या है कि 67 है ना, 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 23 और साइन 90 माइनस 23, तो हमारा क्या हो गया, ये कॉस 23, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कॉस 75 है ना, 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो ये कॉस बदल के साइन हो जाएगा, तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, कुछ है नहीं सर, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन 17 5 साइन 17 बटे कॉस 73, तो इसको पहले तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73, तो 73 लिखेंगे तो ये भी ऊपर वाला भी कॉस हो जाएगा, तो यहाँ से 5 आया प्लस अब यहाँ पे 2 अभी इसको भी चेंज कर लेंगे, तो इसका 5 मतलब ये कट कट के 1 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 6 5 प्लस 2 माइनस 6 तो कितना आ गया, इस तरह से हमारा वैल्यू इस तरह से 5 2 7 7 में से 6 गया 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। 18 नंबर में भी क्या है, वही है क्या है, इसमें 18 नंबर में क्या है, tan 26 बटे cot 64 बराबर 1 ही आएगा, क्यों आएगा 1, क्या कि अभी ऊपर वाले को हम क्या लिख दें, tan 90 माइनस 64 अंश लिख दे, 90 माइनस 64 तो ये हमारा cot 64 हो जाएगा, तो चूंकि ऊपर नीचे का 1 तो बराबर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा भी कर लेंगे, इसी तरह से तीसरा नंबर भी कर लेंगे क्वेश्चन, चौथा नंबर भी, इसी में भी बस वही है, वैल्यू को इंटरचेंज करके जो भी करना है अपना आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। 19 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, 19 नंबर
टैन ए बराबर कॉट बी, ठीक है, टैन ए बराबर कॉट बी है ना। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं, इसको टैन ए बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, टैन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्यों, टैन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। अब दोनों को तुलना कर दें, अगर हम तुलना करने पर, तो तुलना कर रहे हैं तो हमारा एंगल एंगल का तुलना कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर एंगल एंगल का कर रहे हैं, तो ए बराबर 90 माइनस बी हो गया। अब बी को इधर लेकर आए तो ए प्लस बी बराबर 90, ए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर, ये 19 था, 20 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 20, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है आपका सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस बी संस, जहां पे 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, 4a न्यून कोण है दिया है ना, न्यून कोण है मतलब 90 अंश से छोटा है, मतलब 90 में से हम उसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, ठीक है। तो अब यहां से इसको हम पहले तो क्या करें, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक है ना, यहां पे सेक को हम क्या बदल दें, कोसेक में बदल दें, तो कोसेक 90 माइनस 4a, तो कोसेक 90 माइनस 4a मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा, चूंकि सेक थीटा होता है इसीलिए हम इसको लिखे हैं। अब यहां पे ये क्या है, कोसेक a माइनस 20, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो गया, ये अगर हम दोनों को तुलना कर दें, एंगल का तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, ठीक है। अब इस वाले 20 को इधर लेकर आए तो 90 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और a प्लस 4a, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो गया, 90 प्लस 20 क्या हो गया, 110, 110 बराबर 5a। अब यहां पे a बराबर 110 बटे 5, 110 बटे 5, 5 के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a बराबर हमारा क्या गया, 22 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर हमारा आ गया 22 डिग्री। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी, मतलब अगर यदि ए और बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण है, तो इसको यहां पे दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है, उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि अगर ए और बी और सी जो है हमारा तीनों त्रिभुज के कोण हैं, ठीक है, हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो अब चूंकि ए बी सी भी ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण हैं, तो ये क्या हो गया, 180 अंश यहां से, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे बी प्लस सी एक साथ है ना, तो बी प्लस सी, ठीक है, एक साथ ले लेते हैं और यहां से 180 माइनस ए कर लेते हैं। अब दोनों पक्षों में
दो से भाग देने पर, ठीक है। अगर हम दोनों पक्षों में भाग क्यों दे रहे हैं, हमें अब ये कैसे पता चलेगा भाग, क्योंकि हमारा जो सिद्ध करना है उसमें b प्लस सी बाई टू है और a बाई टू है ना, तो इसलिए हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, b प्लस सी बाई टू, अब 180 माइनस a बाई टू, ठीक है। अब यहां से अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको प्रूफ क्या करना है, साइन लेना है ना, इसके इसके में साइन लाना है। तो हम क्या करें, यहां से साइन b प्लस सी, दोनों पक्षों में साइन ले रहे हैं, यहां पे लिख देना दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में साइन ले लिए, तो यहां पे क्या हो गया, साइन 180 बटे दो, ये इसको बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं। तो 180 बटे दो क्या होता है, 90 होता है ना, 180 बटे दो हमारा क्या होता है, 90। तो साइन b प्लस सी बटे दो बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहां पे लिख दें हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब हम, अब हमारा क्या हुआ, प्रश्नावली 8C खत्म हो गया। अब प्रश्नावली 8C के आगे हमारा बचता है प्रश्नावली, अब 8C के आगे वही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज था जिसको हम करा दिए, इसके पहले वाले, इसके पहले ही, सबसे पहले ही कराए थे वही। अब फिर हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, प्रश्नावली 8D और 8E को करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।